दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, हाजिर हूँ बहुत अच्छी सी टिप्स के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप के स्टेटस जो हैं और स्टेटस हम वीडियो फोटो डालते हैं वो कोई व्यक्ति डाउनलोड नहीं कर सकता। अगर हम डाउनलोड क्यों, व्हाट्सएप हमें ऐसा फीचर नहीं देता कि हम उसको डाउनलोड कर सकें, लेकिन अगर हम थर्ड पार्टी का सहारा लें तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मार्केट में कई ऐसे एप्लीकेशन हैं और काफ़ी वेबसाइट्स भी हैं जिनके थ्रू आप स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेटस को डाउनलोड करना आपको सिखाऊंगा। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन की लिंक जो है वो मैंने वीडियो नीचे दे रखी है, वहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, स्टोरी सेवर। लेकिन आपको बता दो इसमें क्या खास है। इसमें खास ये है कि आपको यहाँ पे रिसेंट स्टोरी पे जाएंगे। जैसे मैं रिसेंट स्टोरी पे जाता हूँ, यहाँ इमेज दिखा रहा है, यहाँ वीडियो दिखा रहा है। तो यहाँ वीडियोस केवल इतनी है लेकिन हमारे स्टेटस तो काफ़ी होंगे। तो यहाँ स्टेटस हमें कैसे दिखाए मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो देखिए हमें क्या करना है, ये जो है एप्लीकेशन है उसको यहाँ से बंद कर दीजिए। ठीक है, बंद करने के बाद आप नॉर्मल अपने व्हाट्सएप पे जाइए और व्हाट्सएप करने आपको जिस व्यक्ति का भी स्टेटस डाउनलोड करना है, यानी जिस व्यक्ति का स्टेटस डाउनलोड करना है उसको स्टेटस को आपको देखना पड़ेगा। उसका स्टेटस देखेंगे और फिर उसके बाद में उसका स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक व्यक्ति का स्टेटस देखता हूँ, तो अगर आपका फोटो देखेंगे तो फोटो वहाँ शो करेगा, वीडियो देखेंगे तो वीडियो वहाँ शो करेगा। तो इससे ये होता है कि हम जो स्टेटस देख रहे हैं वहाँ पता लग जाता है कि हमें ये स्टेटस डाउनलोड करना है और स्टेटस देख के ही हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे सभी फोटोज हैं। देखिए यहाँ पे एक वीडियो है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो है मैंने देख रहा हूँ इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी स्टेटस को देख लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टेटस सेवर में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए दोनों वीडियो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अपडेट होने में टाइम लगेगा। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पे बटन दे रखा है, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, तो वो सक्सेसफुल डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे दूसरी वीडियो भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने अभी आपको देखा है था। देखिए ये वीडियो, ये भी मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक तीसरी वीडियो है, इसको भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहा है गलत वाला, तो इस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ इस प्रोसेसिंग में जो वीडियो आप वहाँ पे देखेंगे व्हाट्सएप पे, तो एक मिनट का समय लग सकता है आपके स्टोरी सेवर में आने में, क्योंकि वो अपडेट लेगा। तो ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये वीडियो जो डाउनलोड हुई है वो आई कहाँ पे। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले अपने एमएक्स प्लेयर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाई वो यहाँ वीडियो नाम से फोल्डर में आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी मैंने वीडियो यहाँ पर डाउनलोड की जो वहाँ पे आ रही थी, आप देख सकते हैं। मैं आपको फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ, 6 सेकंड का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप क्या, आप किसी का भी स्टेटस को आप ऐसे सेव कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके बाद इसको कहीं सेंड भी कर सकते हैं और उससे मजे भी ले सकते हैं। देखो मैं तुम्हारा स्टेटस सेव कर लिया, तो कहते हैं स्टेटस सेव नहीं होता। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जल्द हाजिर हूँ नई टिप्स के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।